ऑलमोस्ट बादल की हाइट पर आ चुके हैं हम, और अभी इससे मेरे को लग रहा है अब यहाँ से 135 किलोमीटर और आगे जाना है। तो रात हो गए थे काफ़ी लेट, तो यहीं पे स्टे ले लिया था राजा रिजोर्ट में। ये नारायण कोटी से 3 किलोमीटर पहले पड़ता है मेरे ख्याल से, उधर में नारायण कोटी जो दिख रहा है, ऐसे घूम घूम के जाना है। सांस फूल रही है अभी भी ऊपर, बाकी ओस पड़ी थी बाइकों पे तो कपड़ा मारा जा रहा है, बाकी वार्म अप चालू है बाइकों का, स्टार्ट कर दिया है, वार्म अप हो रहा है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है थोड़ी सी। तो फिलहाल होटल को बाबा कह चुके हैं, हम निकल चुके हैं बद्रीनाथ जी के दर्शन करने के लिए। और राज जिस होटल में रुके थे उसका नाम मैंने आपको बता दिया था, राजा रिजोर्ट था भाई। ब्रदरहुड मैं बताता हूँ किसको बोलते हैं, हमारी बाइक में थोड़ी सी में एक प्रॉब्लम आ गई थी, थोड़ी सी हवा वगैरह कम हो गई थी, तो बंदे आए पीछे से बोले UP 37 नंबर है, करे हम भी UP 37 मतलब हापुड़ डिस्ट्रिक्ट से ही है, बोले आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट देना है यहाँ पे और फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए रहना है रात को। तो भाई इसको बोलते हैं असली ब्रदरहुड। एक तो होता है कि हाँ सेम विलेज के है या सेम मोहल्ले कॉलोनी के, भाई डिस्ट्रिक्ट सेम डिस्ट्रिक्ट का होने के बाद भी इतना अच्छा जो है सर्विस प्रोवाइड किया हमें। मैं तो आपसे सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, अगर आप कभी आते हो लेट हो जाते हो तो यहाँ ज़रूर स्टे करें, यहाँ जरूर रुक के जाना। खाना बहुत अच्छा था, रूम सर्विस बहुत अच्छी थी, आपको जो डिनर था हमारा वो हमें रूम में प्रोवाइड कराया गया था, बाहर नहीं बोला था, बोले ठंड हो रखी है आप आराम से अपना रूम में बैठो एंजॉय करो, गीज़र भी लग रहा है बाथरूम में गर्म पानी के लिए। तो भाई फैसिलिटी तो एक नंबर है, फैसिलिटी को हम देंगे 10 में से 10 मार्क्स। तो भाई होटल से निकलते ही कुछ दूर चलते ही मिल गया हमें प्यारा सा वाटरफॉल, यो पर एक प्यारा सा बंदर बैठा था उधर पीछे में, ज़्यादा गर्दन घुमाता तो पीछे मुड़ जाती गर्दन मेरी। ऑफ रोडिंग प्यारे प्यारे वाटरफॉल की आवाज़ आ रही है। ब्रिज क्रॉस, एक और वाटरफॉल प्यारा सा, और ट्रेवलर्स राइडर्स जो है हमारे वो रुक करके फोटो शूट करा रहे हैं यहाँ पे। अभी फ्यूल अप के लिए लाइन में खड़े हैं, यहाँ से बद्रीनाथ रह जाता है पूरा 194 किलोमीटर, 5 घंटे 46 मिनट्स दिखा रहा है यहाँ से, तो देखते हैं सफ़र कैसा रहता है। वादियाँ बाकी काफ़ी सुंदर हैं, अभी धूप निकली भी नहीं है, मेरे ख्याल से निकलने का टाइम भी नहीं हो रहा है क्योंकि टाइम हो रहा है अभी 7:30 एग्जैक्ट 7:30। अभी ऑलमोस्ट अपने होटल से 25 किलोमीटर चल चुके हैं, और यहाँ की खास बात ये है क्योंकि ये नया नया रूट है हमारे लिए, इस रूट से हम नहीं आए थे। उधर में लेफ्ट साइड में जो रूट है हम उससे केदारनाथ उस रूट से पड़ जाता है, और ये जो है ये रोड बिल्कुल प्लेन है, कोई ऑफ रोडिंग नहीं है, एक भी गड्ढा छोटा सा कहते हैं ना, छोटा सा गड्ढा तक नहीं है रोड पे। बड़ी प्यारी प्यारी रोड है, लीन करने में जिगजैग में चलाने में बड़ा काफ़ी मज़ा आ रहा है, बस जो टर्न होते हैं उन पर थोड़ा सा हॉर्न देना पड़ता है क्योंकि पता नहीं पड़ता सामने का कुछ, दिखता भी नहीं है कि कब सामने से कोई गाड़ी आ जाए बाइक आ जाए। और प्लेटिना फिलहाल पीछे चल रही है, अपाची आगे और सुपर है आगे, खैर सुपर सुपर से भी ऊपर चल रही है फिलहाल, तो एवरेज काफ़ी अच्छा दे रही है वो। फ्यूलिंग में जो है चारों बाइकों की टंकी ऑलमोस्ट फुल करा ली है, बाकी वो देख रहे हो वो वहाँ से आए हम, अभी वहाँ से आए ऐसे आके यू टर्न लेके दूसरे पहाड़ पर जाके फिर वापस जा रहे हैं, और पीछे को चला जाता है रास्ता ऋषिकेश की तरफ। अभी केदारनाथ ऑलमोस्ट यहाँ से 175 के करीब में या 170 के करीब में, क्योंकि फ़ोन मेरे पॉकेट में रखा है फिलहाल, यहाँ पे पावर बैंक चार्जिंग पे लगा रखा है। यहाँ से बद्रीनाथ जी रह चुके हैं 160 किलोमीटर और सूर्य देवता आ चुके हैं, हमें अपनी शरण में ले चुके हैं सूर्य देवता। जो मीठी मीठी ठंड लग रही थी प्यारी प्यारी वो ख़त्म हो चुकी है, अब प्यारी प्यारी धूप लग रही है जो कि बहुत अच्छी लग रही है, नमी नमी गरम गरम धूप बड़ी प्यारी लग रही है, क्योंकि भाई ठंड लग रही थी बाइक चलाते हुए, हाथ ठंडे हो गए थे बिल्कुल, सुन्न से हो गए थे, बस बाइक चला ही रहे थे, राम भरोसे बाइक चला रहे थे।
अभी जो धूप है काफ़ी प्यारी लग रही है, और ये जो फोग आ रहा है ये सब ख़त्म हो जाएगा अभी। बाकी यहाँ से वैली बड़ी प्यारी लग रही है। सारी बाइक रह चुकी हैं पीछे, हम आ चुके हैं आगे, और एक और प्यारा सा वाटरफॉल जो कि बहुत प्यारा लग रहा है। असल में इस रास्ते पे भी काफ़ी सारे वाटरफॉल हैं, और वाटर क्रॉसिंग बहुत आ रही है। एक वाटर क्रॉसिंग आगे में है, और इससे बड़ी बड़ी भी ऐसा फील आ रहा है जैसे लद्दाख में वाटर क्रॉसिंग होती है, सेम वाटर क्रॉसिंग ऐसे। ये वाली थोड़ी छोटी है, लेकिन जूते भीग चुके हैं हमारे, पानी चला गया जूतों के अंदर। सो फिलहाल प्लेटिना, अपाची और सुपर तीनों रह चुकी हैं पीछे, और बाइक चल रही है अभी 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, क्योंकि इससे ज़्यादा चला भी नहीं सकते। टर्न बहुत ख़राब हैं रोड, ऑल दो रोड बहुत अच्छी है, लेकिन जो टर्न आते हैं वो जिन्हें कहते हैं ना अंधे मोड़ जो होते हैं, जो आगे कुछ दिखाई नहीं सकता, जैसे सामने देखो, सामने ऐसा लग रहा है कुछ रोड ख़त्म हो गया, आगे कुछ है ही नहीं, लेकिन हॉर्न देना पड़ेगा टर्न लेने से पहले। कुछ दिख ही नहीं रहा, कुछ सामने आ जाएगा तो कुछ दिख भी नहीं पाएगा। तो अभी हम जहाँ हैं यहाँ से चौपता रह जाता है 14 किलोमीटर चौपता। भाई घना जंगल है, राइड करने में मज़ा आ रहा है। कम से कम 4 से 5 किलोमीटर पीछे रह गए हैं तीनों बाइकें। फिलहाल धूप भी नहीं दिख रही है कहीं, क्योंकि माउंटेन्स ने ऐसा कवर कर रखा है यहाँ पे, एक रोशनी की मतलब रोशनी तो है, धूप की एक किरण नहीं आ रही है। तो ये पता नहीं क्या निकल के गया, एक बर्ड सी थी रोड पर उसने क्रॉस करी। बाकी जहाँ भी धूप मिलेगी वहाँ रुक के खड़े होंगे, धूप जरूर लेंगे, क्योंकि हाथ बिल्कुल सुन्न हो चुके हैं, इतने ठंड पड़ रही है। ग्लव्स भी बैग में रखे हैं, ग्लव्स पहनने हैं नहीं मुझे फिलहाल, क्योंकि उनमें कंफर्टेबल नहीं फील हो रहा मेरे को उन वाले ग्लव्स में। पता नहीं क्या अलग सी इचिंग सी हो रही है हाथ में उसको पहनने के बाद। तो फिलहाल पहुंचने वाले हैं चौपता, चौपता से रह जाता है बद्रीनाथ पता नहीं कितना किलोमीटर। बाकी धूप भी नहीं निकल रही मेरे, इधर माउंटेन्स में देख रहा हूँ तो उधर धूप भी नहीं है, उधर बादल ही बादल नज़र आ रहे हैं ऊपर में। चौपता यहाँ से ऑलमोस्ट 9 किलोमीटर रह जाता है, और यहाँ पर ठंडी ठंडी हवा लग रही है। मेरे को लग रहा है ग्लव्स पहनने ही पड़ेंगे, सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा इतना। बाकी भाई फॉग आना चालू हो गया सामने में, बाकी अभी भी सारी बाइकें पीछे हैं, ब्रेक लेने के लिए कोई अच्छी सी जगह नहीं मिल रही साइड में, क्योंकि नैरो सी रोड है, छोटी सी रोड है। अब यहाँ पे अगर बाइक खड़ी करेंगे तो रिस्क तो रहेगा ही कि कोई पीछे से आया उसने ठोक दी बाइक ख़त्म। हम नीचे भाई फोग भाई काफ़ी ठंडी ठंडी लग रहा है, क्योंकि वाइज़र खोल रखा है मैंने, क्योंकि मेरा वाइज़र जो है ब्लैक कलर का है, ट्रांसपेरेंट नहीं है, ब्लैक कलर की फिल्म चढ़ रही है वाइज़र पे। और बाकी वादियों में चल रहे हैं, अकेले अकेले चल रहे हैं तो डर भी लग रहा है। बाकी सारे पीछे रह चुके हैं तीनों बाइकें। यहाँ पे मौसम थोड़ा सा खुला, फॉग ख़त्म हो गया। और यहाँ की एक और बात बता रहा हूँ आपको, अपाची हम चला तो रहे भाई, तीसरे से चौथा गियर नहीं डल रहा, दूसरे तीसरे कहीं कहीं पहले गियर में भी ऊपर चढ़ानी पड़ रही है, तो इतना टफ सा है थोड़ा। बाकी कोई सामने से अगर गाड़ी आ जाती है तो हॉर्न देना पड़ता है, और कई बार गाड़ी भी पीछे हटानी पड़ती है, बाइक भी पीछे हटानी पड़ती है उसको निकालने के लिए। तो अभी लिया है एक छोटा सा ब्रेक, तब तक जो है बाइकें भी आ जाएंगी अपनी, ग्लव्स पहन लेते हैं तब तक के लिए। और बाइक खड़ी कर दी है, वो खड़ा हमारा भाई शेवा पीछे बैठ कर राइड कर रहा है हमारे साथ में। और व्यू दिखाता हूँ आपको, ऊपर से कोहरा, आउच भाई साहब, सामने का कुछ नहीं दिख रहा फिलहाल, पहले दिख रहा था अभी कुछ नहीं दिख रहा। और एक भी बाइक अभी आई नहीं है, फ़ोन किया था, कम से कम 4 से 5 किलोमीटर पीछे है, वेट करते हैं तब तक आ ही जाएगी। ग्लव्स ऑलमोस्ट पहन लिए हैं, ठंडी काफ़ी लग रही है, सारी बाइकें साथ में आ चुकी हैं, और ठंडी बहुत ज़्यादा हो रही है, ऊपर जाए जा रहे हैं, बादलों से ऊपर आ चुके हैं फिलहाल। और काफ़ी सारे बंदर हैं, पहाड़ी बंदर, लंगूर वगैरह बैठे थे पीछे, शूट नहीं हुए। अभी जो है ठंडी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो बाइक भी बड़ी मंदी 30 की स्पीड पे बाइक चल रही है, और रिस्क भी ज़्यादा है इधर, क्योंकि अगर हल्का सा भी टायर स्लिप हुआ तो सीधा नीचे जहाँ से आए थे वहीं पहुँच जाएंगे। और फिलहाल बाकी नेचुरल ब्यूटी जो है वो एक नंबर है भाई, हर चीज़ इतनी बढ़िया लग रही है। हमारे उधर अगर पहाड़ होते तो यूपी के बंदे तो इतना गंदा करते थे, कबाड़ा वबाड़ा खूब फेंकते, यहाँ पर जो ब्यूटी है वो एकदम प्यारी प्यारी। वाटरफॉल भी हैं थोड़े बहुत, और मज़ा पूरा आ रहा है, एंजॉयमेंट पूरी चल रही है, बट ठंडी भी बढ़िया लग रही है। उधर में बैठे हैं 2-3 लंगूर जो कि आपको दिखे नहीं। अभी टी ब्रेक के लिए रुके थे क्योंकि ठंडी ज़्यादा हो रही है, मैंने भी लाइनर वगैरह डाल लिया है, ट्रैक सूट रखा था मैंने वो भी पहन लिया। अभी यहाँ पे मौसम थोड़ा सा खुला है, सारी बाइकें आगे हैं, और ठंडी खैर बहुत ज़्यादा हो चुकी है। ये रही प्लेटिना आगे में, वो सॉरी सुपर है ये, प्लेटिना और अपाची आगे गई दोनों। भाई डर लग रहा है क्योंकि लिटरली जब चलाते रहो बाइक तब तो मज़ा आता है, जैसे ही नीचे की तरफ देख लो भाई साहब
बहुत ज़्यादा दिमाग घूमता है, सिर घूमता है, चक्कर से आने लगते हैं जब नीचे देखते हैं, क्योंकि भाई हाइट से सबको डर लगता है, हमें भी लगता है। कहीं कहीं पे हल्की हल्की धूप निकलती है, जहाँ हल्की हल्की धूप दिखती है वहाँ बड़ा सुकून से मिलता है, मन को शांति सी मिलती है। लेकिन भाई ठंडी ठंडी हवाएं तो जा रही हैं, साइलेंट तो नो हॉर्न प्लीज, ओके ये बादल देख रहे हो सामने में, ऑलमोस्ट बादल की हाइट पे आ चुके हैं हम। और अभी इससे मेरे को लग रहा है अब यहाँ से 135 किलोमीटर और आगे जाना है, मतलब बद्रीनाथ यहाँ से 135 किलोमीटर और ऊपर में है। भाई वाओ भाई, इस टाइम पे हम हो रखे हैं कोई मिल गया के जादू, हमें चाहिए धूप। भाई देखो फॉग क्या ऊपर जा रही है, मतलब कितना लिटरली कितना सा प्यारा सीन लग रहा है ये। भाई कुछ नहीं दिख रहा इधर नीचे का, साइड में भी कुछ नहीं दिख रहा, पर रोड दिख रही है कि हाँ प्यारी प्यारी रोड है। केदारनाथ के मुकाबले इधर की रोड अच्छी है, क्योंकि उधर ऑफ रोडिंग ज़्यादा है, यहाँ पे एक दो वाटर क्रॉसिंग है बस, और रोड बिल्कुल प्लेन है, कोई भी गड्ढा नहीं है, कोई भी पैच नहीं है, पैचिंग भी नहीं है रोड में कोई भी। भाई साहब क्या व्यू आ रहा है भाई, फॉग ही फॉग चारों तरफ, बादल ही बादल, और हम भी आसमान की ऊंचाइयों में, चारों तरफ बादल ही बादल, कोहरा भी है बादल भी है। भाई साहब लिटरली ठंडी ठंडी हवा जो फेस पे लग रही है भाई, अलग ही लेवल, नेक्स्ट लेवल एडवेंचर चल रहा है। एडवेंचर सोचा था केदारनाथ उधर बद्रीनाथ में बहुत होगा, पर बद्रीनाथ का एक्सपीरियंस नहीं था बिल्कुल भी, केदारनाथ का भी नहीं था, मतलब एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं था पहाड़ों का, कि बाइक कैसे चलती है, कैसा टेम्परेचर होता है। मेरे पास रेनकोट था, वो मैंने शिवा को दे दिया, क्योंकि शिवा के पास रेनकोट था, वो पता नहीं कहाँ रह गया उससे। मेरे ख्याल से हम ऊपर गए थे तो केदारनाथ, तो हमने जो है एक दुकान पे थोड़ा सा अपना सामान निकाल के रख दिया था, हो सकता है वो वहीं पर रह गया हो जल्दबाजी में। फिलहाल वो देख रहे हो उधर जाना है, मोड़ नीचे, जैसे घूम घूम के नीचे, फिर ऊपर ऊपर नीचे ऐसे ही हुए जा रहे हैं। अभी यहाँ से लगभग 130 किलोमीटर रह जाता है, गड्ढा है ये, यहाँ पे वाटरफॉल था फिलहाल, मेरे को लग रहा है ऊपर बर्फ पड़ रही है तो जम गया वो। भाई साहब मतलब आगे का कुछ दिख ही नहीं रहा, जैसे पहाड़ों पे मन लगता रहता है ना कि सामने में एक पहाड़ है, उधर घर हैं थोड़े बहुत, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा, सिर्फ कोहरा ही कोहरा चारों तरफ। देखो भाई कितने रास्ते में कितने सारे लंगूर बैठे हुए हैं, प्यारे 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 लंगूर बंदर बैठे हुए हैं, इधर में भी आगे भी हैं। भाई घर है ये इनका, ऐसे वैसे देखने को मिलते भी नहीं है, और कितने प्यारे लग रहे थे, आप लोगों ने भी देखा। बाकी भाई मज़ा पूरा आ रहा है, हम लोग ठंडी में जो है नहीं रह सकते बिना कपड़ों के, ये लोग ठंडी में सर्वाइव करते हैं, बड़े प्यार से रहते हैं। अच्छा हमारे यहाँ के बंदरों में और इनके बंदरों में बालों का अंतर होता है, यहाँ का जो कुत्ता है डॉग है यहाँ का, उसके बाल भी, उसके ऊपर भी इतना सारा फर है, वो भी देखने में, जो नॉर्मल कुत्ते घूमते हैं वो भी देखने में ऐसे लग रहा है जैसे कोई ब्रीड का कुत्ता हो। तो मैं तो सोच रहा था, मैं शिवा से कह भी रहा था, मगर यहाँ से रख के लेके चलते हैं एक को, अपने एरिया में जाके ब्रीड का खोल के बेच देंगे। ऐसा लग रहा है जैसे जंगलों में चल रहे हो, पीछे में क्योंकि बोर्ड भी लिखा था एक कि वाइल्ड एनिमल्स अहेड। अब देखो कुछ देखने को ना मिल जाए, मतलब प्यारे प्यारे जानवर देखने को मिले तो कुछ खतरनाक वाले ना मिले, जैसे हिरन वगैरह देखने को मिल जाए, क्योंकि बोर्ड पे हिरन छप रहा था। बाकी भाई समझते हो तेंदुआ पेंदुआ शेर चीते भाई, इनसे तो डर लगता है। फिलहाल मज़ा पूरा आ रहा है, एडवेंचर का पूरा मज़ा लिया जा रहा है। अभी दो अपाची साथ में चल रही हैं, प्लेटिना बहुत आगे चली गई और सुपर पीछे है, काफ़ी पीछे तो नहीं है, लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर पीछे आगे में टूरिस्ट बस जा रही है। ये बस हमने जो है कम से कम आधा घंटा पहले क्रॉस की थी, हम टी ब्रेक के लिए रुके थे तो ये आगे निकल गई थी, हमने फिर से इसको कवर कर लिया है डिस्टेंस को जो इसने हमें दिया था। अभी भाई व्यू देखो आप यहाँ का, क्या एक नंबर ऑसम व्यू आ रहा है,
मतलब जंगलों में नीचे पहाड़ भाई, पेड़ भी ऐसे लग रहे हैं जैसे वास्तव में जंगलों में घूम रहे हो भाई। जन्नत है जन्नत। यहाँ मिली हमें थोड़ी सी धूप और पीछे में मिले थे हमें दो हिरन। अब दिक्कत ये है हमारा कैमरा तीन मिनट के बाद ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। पेड़ पे बैठा एक प्यारा सा लंगूर बंदर, आगे में भी है एक, और आगे से है यू टर्न लेना है, नीचे को जाना है अपन को। सो ये गई स्लो डाउन, बाइक भी गई डाउन। जन्नत भाई, दुनिया में कहीं जन्नत है तो पहाड़ों में है, लेकिन भाई ठंड भी बहुत है। ओ भाई गॉड, कैमरा सही टाइम पे ऑन है। आगे में है एक प्यारी सी वाटर क्रॉसिंग, पैर ऊपर कर लेते हैं नहीं तो भीग जाएंगे। ये ऑलमोस्ट मंडल आ चुके हैं, ये सामने में है मंडल। अभी यहाँ से पता नहीं कितना रास्ता रह जाता है क्योंकि बोर्ड वगैरह यहाँ लग नहीं रहे, नेटवर्क यहाँ आ नहीं रहे। सांस भी चढ़ रही है, सांस नहीं लिया जा रहा, बोलते वक्त सांस फूल रही है। अभी प्लेटिना खड़ी है यहाँ। हाँ जी सत्पाल भैया, कैसी ठंड लग रही है? अब प्यारी रात है, धूप निकल के राहत है। हाँ जी मास्टर जी, क्या हाल है? जूते कहाँ मास्टर जी तुम्हारे? अभी धूप पूरी तरह से निकल चुकी है, यहाँ से बद्रीनाथ जी रह जाते हैं पूरे 100 किलोमीटर। अभी हुआ ये था, जो सामने अपाची है वो दीपक भैया वाली, उसमें जो है मोबिलाल ख़त्म हो गया था क्योंकि चढ़ाई पे मोबिलाल बहुत ज़्यादा ले रही है, और मोबिलाल ख़त्म होने की वजह से प्लग शॉर्ट हो गया था। तो अभी यहाँ पे जो है मोबिलाल लिया है और प्लग लिया है, दोनों डाले हैं। फिलहाल बाइक ठीक हो चुकी है। सो नाउ वी आर इन भीमताल। अभी टाइम हो रहा है 1:55। अभी तक हम लोगों ने लंच नहीं किया है क्योंकि उसमें दोबारा से प्रॉब्लम आ गई थी, उसका प्लग शॉर्ट हो गया था बाइक का जो नया खरीदा था, उसमें फिर से चेंज कराया अपाची में प्लग। अभी अपाची पीछे है, प्लेटिना भी पीछे है, सुपर आगे है, और रोड काफ़ी अच्छी लग रही है क्योंकि पहले सिंगल रोड थी, अब रोड थोड़ी सी चौड़ी हो चुकी है। मज़ा आ रहा है पूरा गाड़ी बाइक चलाने में। बाकी देखो यहाँ से लगभग 85 किलोमीटर रह चुका है भीमताल से, अप्रोक्स 85 से कम है, 82-85 के बीच में है, जो भी 83-84 कुछ भी हो सकता है। बाकी धूप पूरी निकल चुकी है, हमने भी जैकेट वगैरह लाइनर वगैरह पहने थे सब उतार दिए हैं। अभी ग्लव्स नहीं उतार रहा मैं क्योंकि अब मज़ा आ रहा है ग्लव्स में, ग्रिप अच्छी मिल रही है मेरे को, और जितना भी फोग वगैरह था सब खत्म हो चुका है। व्यू बहुत अच्छा आ रहा है, प्यारा प्यारा। तो फिलहाल टाइम हो रहा है 3:19, लंच करने के लिए रुके थे यहाँ, लंच कर लिया है, डोसा खाया था, तो फिलहाल निकल रहे हैं। बाकी लोग आगे चले गए, डोसा बड़ा प्यारा था, बट लोग बोलते हैं ना ऊपर पहाड़ों में खाना अच्छा नहीं मिलता। भाई पैसे अच्छे दोगे तो सब कुछ अच्छा मिलेगा। तो माना है यहाँ से 81 किलोमीटर और बद्रीनाथ है 77 किलोमीटर अहेड। तो भाई मंजिल तो अभी दूर है, तो पहुँचेंगे ज़रूर, अभी नहीं तो 2 घंटे बाद पहुँचेंगे। रोड काफ़ी साथ दे रही है, काफ़ी प्यारी रोड है। तो फिलहाल बद्रीनाथ यहाँ से रह चुका है ऑलमोस्ट 45 के करीब में, और आगे में हो रखा था लैंडस्लाइड तो इसलिए यहाँ पे रुके हुए थे। फिलहाल वो क्लियर हो चुका है तो हम लोग आगे निकल रहे हैं। पानी भरा हुआ है, ओह माय गॉड, और आगे में जेसीबी काम कर रही है। तो अभी हम लोगों ने जोशीमठ क्रॉस कर लिया है, जोशीमठ से आगे जो है सारी वन वे रोड है, गाड़ियां आ तो नहीं रही हैं, जा रही हैं। मेरे को लगता है उधर से कोई दूसरा रूट है, कंफर्म नहीं है उधर से कोई दूसरा रूट है आने का या नहीं है। और जिनको नहीं पता उन्हें बता दूं, जोशीमठ चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही आता है, तो बेसिकली ऐसा कह सकते हैं हम चमोली के अंदर ही चल रहे हैं। यहाँ से श्री बद्रीनाथ जी रह जाते हैं 42 किलोमीटर। हाँ ये दूसरा रूट ही है यहाँ पे, ये पीछे में दूसरा रूट था बाहर जाने के लिए। फिलहाल यहाँ से श्री बद्रीनाथ जी का धाम रह जाता है लगभग 35 किलोमीटर, और ठंडी लग रही है फिर से क्योंकि अभी टाइम हो चुका है 6:05,
फिलहाल ब्रिज क्रॉस करना है एक, उस दूसरे पहाड़ पे पहुंच जाएंगे, उसके बाद कहीं अच्छी सी जगह देखकर जो है कपड़े पहनेंगे, लाइनर वगैरह डालेंगे, जैकेट डालेंगे और ब्रिज पे फोटोशूट वगैरह चल रहा है। काफी हाइट पे है ये वाला ब्रिज। अभी यहाँ से जा रहे हैं दो रास्ते, तो मेरे ख्याल से हमें जाना है राइट। हाँ जी, हमें लेना है राइट। आगे में बोर्ड है, यहाँ लिख रहा है बद्रीनाथ 35 किलोमीटर और गोविंद घाट 10 किलोमीटर। सो उम्मीद तो यही है सीधा बद्रीनाथ जाकर स्टॉप लेंगे, उससे पहले कहीं रुकेंगे नहीं, क्योंकि कल मेरे ख्याल से माना जा सकते हैं जो कि लास्ट विलेज है, बॉर्डर पे पड़ता है। अभी लिटरली पता क्या हुआ, हम लोग फोटोशूट करा रहे थे, पीछे खड़ा होकर जेसीबी खड़ी है पीछे में, उसके ऊपर में चढ़ चढ़ के, तो जहाँ पे बाइक खड़ी थी वहाँ से ऊपर से एक पत्थर, ऊपर से छोटा सा एक पत्थर गिरता हुआ आया, तो हम लोग बड़ी जल्दी में भागे वहाँ से, बाइक वाइक हटाई हमने, वरना भाई क्योंकि यहाँ का कुछ भरोसा नहीं है कब क्या हो जाए, इसलिए भाई आप कभी भी आते हो बी केयरफुल, टेंशन की वजह से सांस भी फूल रही है मेरी, सांस चढ़ रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, बट कोई बात नहीं, स्टिल यहाँ से 30 किलोमीटर रह रहा है, अभी कवर कर ही लेंगे। फाइनली रीच द बद्रीनाथ एंड वी आर इन अ होटल। भाई बाहर जाने की बिल्कुल हिम्मत नहीं पड़ रही, ठंड काफ़ी ज़्यादा हो रही है, सामने में शिवम लेटा है वो बेचारा सोने वाला है, नशे हो रखे हैं उसको, दर्द हो रहा है उसके पेट में, तो मिलते हैं सुबह, दर्शन कराते हैं आपको बद्रीनाथ जी के, नींद काफ़ी ज़्यादा। फिलहाल टाइम हो रहा 8:22, अभी खाना आने वाला है, खाना खा के हम लोग निकलते हैं, निकलते क्या सोते हैं मतलब, तो बद्रीनाथ आके घंटा लग रहा है, कैसा लग रहा है, मैं वीडियो बना रहा हूँ यूट्यूब पर डालने के लिए, बकवास कर रहे हो तुम, बताना मेरे को यार, मतलब सही लग रहा है, हरामी मानुस दो दिल में पलट गया, वाह, बस कुछ मत पूछो, अब टेंशन हो रही है वापस जाने की। The next day.